हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आज से हम कुछ साल पीछे जाकर देखें तो मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी हुई, हर एक एक्सेस में ये नहीं थी और ज़्यादातर जो मीडियम थे वो टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, इस तरह के जो मीडियम थे वो ऑडियो और वीडियो को सुनने के लिए, प्ले करने के लिए यूज़ होते थे। जैसे फिर वॉकमैन आ गए थे, इस तरह की डिफरेंट जो डिवाइसेस थी वो ऑडियो के लिए यूज़ होती थी। लेकिन जो कैसेट्स थी, ऑडियो कैसेट्स, उनका एक काफ़ी ज़्यादा जो है एरा चला है, इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी और उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। तो आज मैं आपके साथ एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ये आपको बिल्कुल उसी तरह ही लुक प्रोवाइड करेगा जिस तरह एक कैसेट प्लेयर या वॉकमैन आपको लुक एंड फील प्रोवाइड करता था। ये उसी तरह उन्होंने बनाने की काफ़ी हद तक कोशिश की है और इसमें कामयाब भी हुए हैं। तो आइए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसका होम स्क्रीन या इंटरफेस है। जो भी मैंने सॉन्ग इस पर प्ले किया होगा वो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर प्लेलिस्ट में आ रहा होगा। तो ये देखिए कि जैसे एक कैसेट की लुक होती है, बिल्कुल ये कैसेट की तरह ही लुक हुई है। और जब मैं इसके प्ले पे क्लिक करता हूँ तो जिस तरह वो कैसेट मूव होती थी, उसकी जो रील थी, तो ये देखिए ये भी उसी तरह ही मूव हो रहा है। और ऊपर आप लेफ़्ट एंड राइट इक्वलाइजर देख रहे हैं कि उनसे साउंड किस तरह आ रही है। तो इस ये डिफरेंट जो है इसकी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये आपको काफ़ी एक जो है यूनिक लुक प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा ये नीचे इसके प्ले पॉज के बटन हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बटन्स हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जितने भी सॉन्ग्स हैं। इसके अलावा हम इसकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर ये देखिए कि डिफरेंट जो कैसेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, जैसे आप उनको चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट थीम्स हैं यहाँ पर, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं, इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं प्ले करूँगा तो ये प्ले हो रहा है। यूनिक यूनिक जो आप इसकी लुक्स देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जब हम सेटिंग्स की बात करते हैं तो इसके अंदर इसका अपना थीम है, एनिमेशन की क्वालिटी है और इसके अलावा डिफरेंट जो इसकी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सेटिंग्स आप इसकी, जैसे बैकलाइट है, इसका रिवाइंड कैसेट को करना है आपने, एल्बम कवर्स हैं, ये तमाम ऑप्शंस इसकी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इसके कंट्रोल, ऑटो पास, ऑटो प्ले, स्टेटस बार में इसको शो करना है, स्क्रीन को ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वॉल्यूम के एडजस्टमेंट, ये तमाम ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये देखिए कि ऊपर जो मीटर आपको नज़र आ रहे हैं उनके डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप पहले टेप रिकॉर्ड के ऊपर जो आप इसको प्ले करते थे तो ये मीटर्स भी इस तरह शो हो रहे होते थे। ये तमाम जो सेटिंग्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने ऊपर मीटर सेट किए हैं तो ये वो सॉन्ग के साथ साथ ये भी उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर वॉल्यूम की डिफरेंट सेटिंग्स हैं। ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए एक नॉब सी बनाई गई है, इसको आप वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इक्विलाइजर्स हैं, ये आप डिफरेंट जो लेवल्स हैं वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो प्री डिफाइंड जो हैं वो भी दिए गए हैं, जैसे क्लासिक, फ्लैट, जैज, पॉप, रॉक, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो ओवरऑल आपको ये एप्लीकेशन एक काफ़ी अच्छा और यूनिक जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करती है और इसकी लुक एंड फील भी काफ़ी डिफरेंट आती है। तो आई होप आपको आज की एप्लीकेशन पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।